10 रुपए 20 रुपए 10 रुपए 20 रुपए देसी टमाटर 10 रुपए किलो। वीडियो बना रहा है। टमाटर 10 रुपए किलो 20 रुपए किलो। भाई साहब कैसे चलेगी ये सरकार, इतना सस्ता कैसे कर रखा भाई? भाई साहब ये चुनाव का असर है, अगर ये चुनाव जैसे ही होगी ये टमाटर सीधा 60 रुपए किलो के ऊपर पहुंचेगा। इस बात को पॉइंट कर लेना आप, ये तो यूपी चुनाव पंजाब चुनाव है ना। नहीं तो यूपी में चुनाव है या हरियाणा में थोड़ी है। तो गाड़ी पंजाब से आ रही है ना। हाँ गाड़ी पंजाब से, पंजाब में भी चुनाव है ना, तो वहाँ तो केंद्र पंजाब से थोड़ी यहाँ पे असर होगा। यूपी का असर हो सकता है, पंजाब से क्या असर होगा? ये जो जितने भी अभी सौदे आ रहे, कहाँ से आ रहा है टमाटर? ये सारा लोकल सौदा पंजाब और यूपी से आ रहा है, ये सारा सौदा आ रहा है। जो अभी भी मटर और टमाटर आ रही है ये पंजाब और यूपी से ही आ रही है। क्या रेट दे रहा है टमाटर? जैसे कि भाई साहब 10 रुपए किलो, कोई पूछने वाला नहीं है सर। टमाटर बढ़िया भाई साहब, सही लग रहा है देखने में। 20 रुपए में है टमाटर, ये वाला 20 रुपए। कहेगा तो मैं 15 भी दे दूंगा, लेकिन 15 ही दे रहा हूँ। एक हफ्ते पहले जो है 40 में था, 60 में था टमाटर एक हफ्ता पहले, और एक हफ्ते में 20 रुपए में दे रहा है। एक हफ्ते में 20, इतना सस्ता कैसे हो गया इतनी जल्दी? ये चुनाव का असर है सरकार, ये जैसे जैसे ये चुनाव खत्म होगी फिर टमाटर ऐसे ही 50-60 के एवरेज में आ जाएगा। वैसे ही पेट्रोल डीजल महंगा होने लगेगा, वैसे ही भाड़ा इसका बढ़ने लग जाएगा, फिर बढ़ा देंगे चुनाव। जैसे ही पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा ये टमाटर का रेट ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ने लगेगा। ये सारे पेट्रोल डीजल की मार खाने वाला। हाँ जी, ये 20 टमाटर सस्ते हो गए हैं डबुआ सब्जी मंडी में। वैसे मंडी के बाहर ये लोग दुकानें लगाते हैं, 20 रुपए किलो में सही टमाटर है। कहेगा तो मैं 15 भी दे दूंगा इसको। अच्छा 15 में भी दे देगा? 15 भी दे दूंगा। इनको सबको 15 देगा या 20 देगा? मैं ग्राहक को 15 दे रहा हूँ। अच्छा 15 दे भाई, सही है 15 रुपए। 30 के 2 किलो दे रहा हूँ। 30 के 2 रुपए सही है भाई साहब? 30 के 2 किलो सही है? नहीं सही है, 15 रुपए किलो दे रहा है। सही है रेट? सही है रेट। इनका कहना है, जो कस्टमर है इनका कहना है रेट सही है, 15 रुपए किलो टमाटर। और करीब 5-7 दिन पहले 40 में था, 50 में था, 60 में था, और अच्छा टमाटर 60 रुपए में था। शिमला वगैरह सस्ती हुई भाई साहब? शिमला वगैरह सस्ती हुई? हुई है। क्या रेट? 40 रुपए किलो। ये भी सस्ती हो रही है मेरे ख्याल से, 80 हुई थी ना, 20 रुपए पाव दे रहे थे। ये मटर वगैरह क्या चल रहा है? मटर 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो मटर थोड़ा सा मतलब नॉर्मल नहीं है, क्योंकि 20 में आ जाती कई बार, 30 से नीचे नहीं आई ना, 30 से नीचे नहीं है, 40 और 30 रहती है मटर। गाजर बढ़िया लग रही, गाजर तो गाजर तो गाजर ही है बढ़िया। क्या रेट? 20 रुपए किलो। ये भी सही रेट है मेरे ख्याल से, अच्छी गाजर है, टमाटर 10 रुपए, हलवे वाली गाजर है। चलो सब्जियाँ सस्ती हो रही है मेरे ख्याल से। गोभी वगैरह कुछ डाउन हुई? डाउन हो गई है गोभी। कितना हो गया? 30 रुपए किलो। 30 और 40, कोई 40 में दे रहा है, कोई 30 में दे रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं डबुआ सब्जी मंडी में सब्जियों के क्या रेट हैं। टमाटर सस्ते हो रहे हैं, और ये हमारे सामने ये संजय है, संजय बताएगा क्या क्या रेट चल रहे हैं सब्जियों के, क्योंकि इसके पास बहुत सारी सब्जियां होती हैं। हाँ भिंडी, भिंडी क्या रेट? भिंडी का तो सीजन नहीं है, महंगी खरीदनी पड़ेगी अभी। ये मशरूम वगैरह क्या चल रहा है? तू मंडी का रेट अंदर का बताना, ठीक है? यहाँ थोड़ा ज़्यादा होते हैं 1-2 रुपए हैं। क्या है मशरूम, क्या रेट है? 50 के 2 पैकेट। मटर? मटर 30 रुपए किलो। और ये घिया वगैरह? घिया 40 रुपए किलो। भैया रुको रुको, ग्रीन वेजिटेबल जो गर्मियों में सस्ती होती हैं अभी महंगी चल रही है, ऐसा क्यों? सीजन नहीं होता, इस समय कम आती है। अच्छा अच्छा, टमाटर क्या रेट है? वहाँ तो बहुत सस्ता दे रहा है, 15 रुपए किलो। टमाटर बढ़िया 20 बिक रहा है, थोड़ा हल्का है 10-15, उसका भी बढ़िया है। तुम्हारा 20 में है, चलो बढ़िया। गोभी वगैरह? गोभी 30 रुपए, थोड़ा डाउन हुआ है, बहुत डाउन हुआ। करेला? करेला 100 रुपए किलो। जो सब्जियाँ गर्मी में सस्ती होती हैं अभी महंगी दे रहे हो। करेला 100 रुपए में, भिंडी 120 रुपए में। ये बीन्स वगैरह? 60 रुपए। अच्छा बीन्स 60। शिमला शिमला भी 60 रुपए। नहीं तो आप लोग देख रहे हैं सब्जियों के रेट हैं, सर्दी में सब्जियों के रेट थोड़ा डाउन हो जाते हैं,
और अभी टमाटर वगैरह थोड़ा सस्ते हो गए, लेकिन टमाटर कभी भी ऊपर उठ जाता है, अचानक ऊपर उठ जाता है। इस समय जो है टमाटर का सीजन है, लोकल टमाटर आना शुरू हो जाता है, ठंडा हो जाता है, बाहर से आएगा टमाटर गुजरात से कुछ दिन सस्ता रहेगा मेरे ख्याल से, कुछ दिन सस्ता रहेगा, अभी सीजन शुरू हो गया है। में डाल के बंदा चलता जा रहा है, तेरे को पता ही सीजन शुरू हो गया है। सब्जियों के रेट आपने देखा, कुछ और सब्जियों के रेट हम पता करते हैं। राम राम भाई साहब, क्या रेट है पालक वगैरह? 100 रुपए। बथुआ? 30 रुपए। धनिया? 10 के 2। अच्छा, ये क्या है? चुकंदर? गोभी आपकी बढ़िया लग रही है, थोड़ा महंगी होगी, 40 में है। वैसे जिनकी पुरानी हो 30 में दे रहे हैं, आप 40 में दे रहे हैं ताजी गोभी, चलो बहुत अच्छी बात। हाँ बेटा, भाई प्याज क्या रेट है? आलू? आलू 40 का 2.5 किलो, यानी 80 रुपये धड़ी, 80 रुपये का 5 किलो, प्याज 40 रुपये किलो। प्याज थोड़ा सा कॉस्टली कर सकते हैं, कह सकते हैं प्याज थोड़ा सा महंगा है, बाकी अधिकतर सब्जियों के रेट सस्ते हैं। डबुआ मंडी के बाहर और मंडी के अंदर भी करीब करीब यही रेट हैं, आजकल तो मंडी बंद भी है, बाहर कुछ लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं, तो रेट हमने देखे। आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी लोगों को रेट पता चले। सर्दी का सीज़न चल रहा है और सब्जियों के क्या रेट चल रहे हैं हमने आपको बताया। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।